प्रेस वार्ता का मुद्दा है वो डीलर हितों को लेकर जुड़ा हुआ है। हरियाणा प्रदेश ही नहीं, इस पूरे हिंदुस्तान के पेट्रोलियम डीलर केंद्र सरकार व प्रदेश सरकारों की गलत नीतियों के कारण निरंतर घाटे उठा उठाकर पेट्रोल पंप व्यवसाय बंद होने के कगार पर पहुंच चुका है। इसमें सारा दोष प्रदेश सरकार की और केंद्र सरकार की जो नीतियां हैं, जो एक्साइज ड्यूटी है, जो वैट असमानता वैट निर्धारण में है, उसके लिए ये सभी जिम्मेवार हैं। आज का जो मुद्दा है हमारा, हम 15 तारीख को हरियाणा के सभी पेट्रोल पंप पूर्ण रूप से सुबह 6 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक बंद रखेंगे। ये पेट्रोल पंप बंद का हमने निर्णय तेल कंपनियों की तानाशाही व सरकार केंद्र व प्रदेश सरकार की हठधर्मिता के कारण लिया है। डीलरशिप कमीशन हमारा, महंगाई निरंतर बढ़ती जा रही है, सरकार एक्साइज ड्यूटी लगाकर वैट टैक्स लगाकर अपने खजाने भरती जा रही है। डीलरशिप कमीशन हमारा 2016 में इंक्रीज हुआ था, उस समय हमारा पेट्रोलियम मंत्रालय सरकारी तेल कंपनी और हमारी एसोसिएशंस के बीच में एक MOU साइन हुआ था तत्कालीन पेट्रोलियम मंत्री के सामने, कि जिसमें ये तय किया गया था कि हर साल तेल कंपनियां और पेट्रोलियम मंत्रालय डीलर कमीशन की वृद्धि करेंगे। सो 2016 के बाद निरंतर टैक्सों में वृद्धि होती रही, मूल्यों में वृद्धि होती रही, आम जनता त्रस्त और पेट्रोल पंप संचालक त्रस्त, पर सरकार के जो कानों पे जूनी रेंग रही है। इसी विरोध में अपने घाटे को देखते हुए हमें ये निर्णय, सख्त निर्णय लेना पड़ा कि हम 15 तारीख को सुबह 6 बजे से लेके सायं 6 बजे तक हम पेट्रोल पंप हरियाणा के पूर्ण रूप से बंद रखेंगे। ना उस दिन हम तेल कंपनियों से कोई खरीद करेंगे, ना ही कोई बिक्री करेंगे। इसमें एक तो ये मैंने आपको बताया कि डीलर कमीशन का जो मुद्दा था वो पिछले 5 साल से पेंडिंग है। इसमें हमारी मुख्य मांग जो है केंद्र सरकार से और तेल कंपनियों से है कि पिछले 5 साल का जो हमारा डीलरशिप कमीशन था वो कमीशन इंक्रीज करके 5 साल के एरियर के साथ तुरंत रूप से भुगतान किया जाए, ताकि पेट्रोल पंप व्यवसायियों को एक आर्थिक सहायता मिल सके। दूसरा मुद्दा है हमारे यहाँ वैट, जो स्टेट वैट है उसमें असमानता है। स्टेट वैट में अब हिमाचल, हमारे जो पड़ोसी राज्य हैं उनमें डीजल पेट्रोल हमारे से सस्ता है, जिससे हरियाणा सरकार भी मुख दर्शक बनी हुई है। हरियाणा स्टेट का रिवेन्यू, जो हरियाणा स्टेट में तेल बिक्री से वैट जनरेट होना चाहिए, वो पड़ोसी राज्यों में सस्ता तेल मिलने के कारण लोग वहाँ से तेल की भरपाई कर रहे हैं, तो वो स्टेट का रिवेन्यू भी लॉस हो रहा है और तेल कंपनियों को प्रोडक्ट का भी लॉस हो रहा है सेल का। अब जैसे मैं एक उदाहरण दूँ, हिमाचल में हमारे से 8 रुपये लीटर सस्ता डीजल है, 2 रुपये सस्ता पेट्रोल है। पंजाब में 3 रुपये सस्ता डीजल है, 2 रुपये लीटर सस्ता पेट्रोल है। चंडीगढ़ में 5 रुपये 98 पैसे लीटर सस्ता डीजल है और पेट्रोल जो है 1 रुपया 45 पैसे सस्ता है। सेंट्रल गवर्नमेंट से हम गुजारिश करते हैं कि जब तक पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को GST में नहीं लाते, तब तक सभी स्टेट्स में समान वैट दर लागू की जाएँ, ताकि डीलर्स को, जो बॉर्डर एरिया के हमारे हरियाणा के डीलर हैं, पंचकुला के हैं, यमुनानगर के हैं, चाहे हमारे इधर कैथल के, कलायत के, जींद के, सिरसा के, ये जो हमारी पंजाब के साथ लगती बेल्ट है, इन सारे पेट्रोल पंप डीलरों को सेल का लॉस हो रहा है और सरकार को वैट राजस्व का घाटा हो रहा है। तीसरा मुद्दा हमारा ये है कि दिवाली पर आम जनता को जो पेट्रोल डीजल के रेट घटाकर 10 रुपये और 5 रुपये की राहत दी गई, पेट्रोलियम डीलर वेलफेयर एसोसिएशन हरियाणा सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा उठाई गई इस कदम की सराहना करती है। किंतु इसके विपरीत जो पेट्रोल पंप डीलर थे उनको इस एवज में भारी घाटा उठाना पड़ा। माह के अंत में पेट्रोल डीजल ये अपनी सरकारी तेल कंपनियां अपना सेल वॉल टारगेट पूरे करने के लिए डीलर्स के टैंक फुल करवा देती हैं। सबके टैंक फुल थे, त्योहारी सीजन था, दिवाली के बाद विश्वकर्मा डे था, रिफाइनरी की छुट्टी थी, तो सभी डीलर्स ने 4-4, 5-5 दिन का स्टॉक रखा हुआ था। सरकार ने अचानक जो बिना किसी उसके सूचना के जो वैट वो सेंट्रल एक्साइज कम की, एक जो हमारा नॉर्मल पेट्रोल पंप डीलर है
उसको 3 से 4 लाख रुपए का घाटा, और जो हमारे जो हाई सेलिंग डीलर हैं उनको 30 से 40 लाख रुपए तक का भी घाटा उठाना पड़ा है। हम केंद्र सरकार से और तेल कंपनियों से ये मांग करते हैं कि जो प्रोडक्ट हमने वैट और एक्साइज सेंट्रल एक्साइज दे के खरीदा था और आपने एक्साइज कम कर दी, उसका जो घाटा है टैक्स का जो वेरिएशन है, हमने अगले दिन घटे हुए वैट और जी है उस पर एक्साइज पे बेचा है, वो जो वेरिएशन है उस घाटे की हमें केंद्र पूल से या तेल कंपनियों के पूल से तत्काल हमारी भरपाई की जाए। मुद्दा है, पिछले दिनों मैंने मीडिया के ग्रुप में भी उठाया था, प्रदेश में बायोडीजल सॉल्वेंट और बेस ऑयल के नाम पर नकली और मिलावटी तेल की बिक्री हो रही है। इसमें गुजरात से ये तेल इंपोर्ट होके आ रहा है बाहरी देशों से नाजायज तरीके से, और हमारी इंडस्ट्री में और ट्रांसपोर्टर्स को इस नकली तेल की बिक्री की जा रही है जिसमें 5 रुपये से 10 रुपये लीटर तक सस्ता परोसा जा रहा है। ये सारा कार्य पेट्रोल पंपों के माध्यम से ना होकर, आप देखते होंगे कि तेल के बाउजर छोटी छोटी गाड़ियां टैंक लगा के घूमती हैं, कहीं भी खड़ी होकर रिफ्यूलिंग करने लग जाती हैं, वो पेट्रोल पंप समानांतर एक इलीगल नाजायज पेट्रोल पंप व्यवसाय चला रहे हैं, गलत डीजल बेच रहे हैं, मिलावटी डीजल बेच रहे हैं, तो उससे भी पेट्रोल पंप व्यवसायियों को तो घाटा हो ही रहा है। जो ओरिजिनल प्रोडक्ट उस प्रोडक्ट के एवज में बिकना चाहिए था, उससे सरकार को भी, प्रदेश सरकार को भी राजस्व का घाटा हो रहा है। हमारी प्रदेश सरकार से ये मांग है कि इस नकली डीजल की जो बिक्री प्रदेश में हो रही है इसको तत्काल रूप से रोका जाए। पिछले दिनों मैंने ये मुद्दा उठाया था तो प्रदेश सरकार के जो हमारे खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के ACS हैं मिस्टर अनुराग रस्तोगी, हमारे ज़िले के डिप्टी कमिश्नर भी रहे हैं, उन्होंने मीटिंग के लिए बुलाया था हमें, तो मीटिंग में हमने ये मुद्दा रखा। साथ के साथ वो एक्साइज एंड टैक्सेशन के भी ACS हैं, तो दोनों मुद्दे एक ही अफसर की टेबल पर डिस्कस हुए। उन्होंने आश्वासन दिया कि हम जल्दी इसमें कोई राहत देंगे, पर उनकी तरफ से भी कोई राहत की घोषणा अभी तक नहीं की गई है। इस सब को देखते हुए हमने अंत में यह कठोर निर्णय लिया कि प्रदेश के पेट्रोल पंप एक दिन के लिए सांकेतिक रूप से बंद, पूर्ण रूप से बंद किए जाएंगे। तेल कंपनियों से हम कोई तेल की परचेज नहीं करेंगे, केवल मात्र इमरजेंसी सेवाएं, एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड और कोई अन्य ब्याह शादी की गाड़ियाँ, विवाह शादी का जो बारात की गाड़ियाँ होंगी उनको हम तेल मुहैया कराएंगे। और हरियाणा प्रदेश के सभी पेट्रोल पंप डीलरों से भी मैं आह्वान करता हूं कि इस व्यवसाय को घाटे से उबारने के लिए, इस मरते हुए व्यवसाय को बचाने के लिए आप सब एकजुट होकर इस हड़ताल में शामिल हों, साथ दें। हमने एक कठोर निर्णय और लिया है, अगर कोई डीलर भाई 15 तारीख को 12 घंटे के लिए पेट्रोल पंप बंद नहीं रखेगा तो एसोसिएशन के सभी साथी मिलकर और जिला एसोसिएशन मिलकर उसका सामाजिक बहिष्कार करेंगे और 50,000 रुपये का आर्थिक दंड हमने तय किया है। अगर कोई पेट्रोल पंप खोलेगा तो 50,000 रुपये का आर्थिक दंड और सामाजिक बहिष्कार का भागी होगा। सबसे पुनः निवेदन करूंगा प्रेस मीडिया के भाइयों के माध्यम से कि आप सभी हरियाणा के पेट्रोल पंप डीलर इस स्ट्राइक में एकजुट होकर सरकार को ये संदेश दें, तेल कंपनियों को ये संदेश दें कि अब हम और तानाशाही नहीं सह सकते, हमारा कारोबार बंद होने के कगार पर आ चुका है, इसमें हमें तुरंत ये जो हमारी मांगे हैं तुरंत पूरी की जाएं, अन्यथा हम सारे पेट्रोल पंपों की चाबियां हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी को सौंपने को बाध्य होंगे। सैमसंग LED टीवी, वेस्टर्न LED टीवी, वेस्टवे LED टीवी, वर्ल्ड क्लास LED टीवी अंडर वन रूफ, 0% फाइनेंस, आए बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स पर। फुल रेंज ऑफ मोबाइल,
सैमसंग, ओप्पो, वीवो आसान किस्तों में जीतो 2.5 लाख रुपए के इनाम। आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स, जीटी रोड नियर फेडरल बैंक, पानीपत, 9812145।